हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं और जो स्पेशली बच्चे, अगर मैं बात करूं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के कोविड सेशन में पास आउट हुए हैं, उनके जो क्लास 10th के मार्क्स हैं वो ऐसे ही यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। और जो CBSE के बच्चे हैं जिन्होंने CBSE से क्लास 10th पास आउट की है, उनके भी जो मार्क्स हैं वो यहाँ ग्रेड्स में शो करते हैं और टोटल जो उनका CGPA में शो करता है। लेकिन जब कोई भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके मार्क्स कितने में से कितने आए हैं। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑफलाइन कन्वर्ट करेंगे अपने CGPA को इंटू परसेंटेज और इंटू मार्क्स में। सो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, सो डैट जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा ये आप किसी भी कैलकुलेटर में और किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज़ करूँगा, एक्सेल यूज़ करूँगा, सेम प्रोसेस आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे का जो CGPA है, डेट वन इज 7.6। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये मैंने CGPA लिया है 7.6 था। यहाँ पर टोटल CGPA जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, चलिए नई शीट पर कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका होगा CGPA, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो भी आप CGPA होगा वो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 9.5 से। और यहाँ पर जो CGPA बच्चे का आया 7.6 आया। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मार्क्स में। पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे मार्क्स में। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ सो डैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। और यहाँ से इसका बॉर्डर वगैरह हम दे देते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा जो भी आपको स्टेप्स बताऊँगा, सो डैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो था CGPA आया था बच्चे का, और यहाँ पर कोई भी आपका CGPA है उसको आप 9.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके हिसाब से आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 7.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, और यहाँ पर देखिए आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी आएगी 72.2। अब एक क्वेश्चन है, ये तो आपकी परसेंटेज होगी, लेकिन जब आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उसमें पूछा जाता है कि आपके मार्क्स कितने में से कितने आए हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपके यहाँ पर ये मार्क्स हैं, ये जो मैंने आपके सामने अभी डिस्प्ले किए थे, पहले हम इसी को शो कर लेते हैं, दिस वन। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपको टोटल पता होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सब्जेक्ट्स है, डेट मीन्स आपका 500 है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है लाइक पंजाबी, कंप्यूटर और संस्कृत, इसके कभी भी मार्क्स आपके मेन सब्जेक्ट में ऐड नहीं होते। मीन टू से, अगर यहाँ पर 6 सब्जेक्ट है, 600 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर आपके ओनली 500 में से मार्क्स काउंट होंगे, बिकॉज ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे मार्क्स, मीन टू से कि बच्चे के कितने मार्क्स आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी आपकी परसेंटेज आई है इनटू टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, 500 थे 5 सब्जेक्ट से, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके 361 मार्क्स आए, टोटल मार्क्स मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कितने में से। हमने वहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेट करके बता ही दिया था कि आपका जो आपका जितने मार्क्स हैं उतने में से आपका टोटल आएगा। तो ये आपका हो गया CGPA। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, ये मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस आप एक्सेल में कर सकते हैं। अब लगा लीजिए किसी बच्चे के 9 CGPA आए और 9.5 तो आपको पता है इसमें से कैलकुलेट करना होगा। तो अब बाकियों में हमें ये सारा लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इन तीनों को मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर सॉरी चेंजेस हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला वहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पर मार्क्स आउट ऑफ 600 है या 500 है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर भी आप उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 513 मार्क्स आए, कितने में से, 600 में से, और उसकी जो परसेंटेज थी वो आई 85.5। तो ऐसे आप कोई भी, ये देखिए, ये मैं आपको सॉफ्टवेयर क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स के कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी फिक्स रहेगी, बिकॉज टोटल सभी को जो भी CGPA कैलकुलेट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब ऑल ओवर का, आपका 9.5 आएगा। ये आपका क्रिटेरिया यहाँ से चेंज हो सकता है। अगर मैं 10th की बात कर रहा हूँ तो ऑल ओवर आपका 500 में से ही आएगा, और यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है आपका जो भी आपका क्रिटेरिया उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, जैसे लगा लीजिए 7 आई यहाँ पर उसकी CGPA, तो यहाँ पर मैं दोनों को नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ऑटोमेटिक उनके यहाँ पर परसेंटेज और जो भी उनके टोटल मार्क्स हैं जो उन्होंने गेट किए हैं, मीन टू से मार्क्स ऑप्टेन, यहाँ पर मैं मार्क्स ऑप्टेन लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, मार्क्स ऑप्टेन।
तो ऐसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के क्यूरीज आ रही थी कि सर हमने हमारा जो DMC या उसमें जो हमारे मार्क्स है CGPA में दिए गए हैं, तो हमें बताइए कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, टोटल मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रोसेस एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ सो डैट आपको सारा प्रोसेस पता लग जाए। देखिए, सबसे पहले जितने आपके CGPA आए उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, तो आपका जितना भी आपका परसेंटेज है वो आएगा। अब हमें परसेंटेज से कैलकुलेट करने हैं अपने टोटल मार्क्स जो हमने गेन किए हैं, लेकिन कितने सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने पहले कैलकुलेट कर लेना है। और एक चीज़ याद रखिए, इसमें एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके ऐड नहीं होते। अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ, कंप्यूटर, पंजाबी, संस्कृत, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। अगर आप हाँ पंजाब में हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स वगैरह ऐड करेंगे। ऐसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ के मार्क्स वगैरह होते हैं, जैसे मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की बात करूँ, उसमें भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा। उसके भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों की क्यूरीज वगैरह होती हैं, नॉट ओनली ये जो CBSE मैंने बताया, ऑल ओवर जो भी आप बोर्ड में स्टडी करते हैं, जो भी आपने बोर्ड से अपना क्लास 10th और अदर स्टडीज़ की है जिसमें आपके जो मार्क्स हैं इन CGPA फॉर्म आते हैं, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल के लिए जितने आपके परसेंटेज आई इंटू टोटल ओवर मार्क्स डिवाइडेड बाई 100, तो उससे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ टोटल मार्क्स आ जाएगा जितने आपने गेट किए हैं, और टोटल जितने आपके मार्क्स हैं उतने आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप काउंट कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर वो रिजल्ट आ जाएगा। सो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया एक सिंपल इजी वे से कि कैसे आप अपने CGPA को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज से मार्क्स में, और आपके कितने आउट ऑफ टोटल मार्क्स हैं, मतलब कितने में से आपके कितने मार्क्स आए, वो भी आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस करके देखिए, सेम प्रोसेस आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने ये 7.6 और 9.5 पहले ले लिए थे, सो डैट मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करना था, बिकॉज मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह में जो भी ये डाटा एंटर करना चाहता था। इसलिए आप अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। बाकी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके या टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करके अपनी ऑल क्यूरीज का सोल्यूशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हुई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स।